हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट में। एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ आपके सामने फिर हाजिर हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साथियों, रीट लेवल फर्स्ट से जुड़ी है बहुत बड़ी अपडेट। राजस्थान सरकार के मंत्री महोदय आए समर्थन में। रीट फर्स्ट लेवल की वेटिंग लिस्ट और रिशफल से जुड़ी है अपडेट। क्या कहा मंत्री महोदय ने, ऑफिशियल न्यूज प्रेस नोट के साथ आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, ले चलते हैं आपको सीधा अपडेट की ओर। लेकिन साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको इसी प्रकार की आने वाली नई नई वीडियोस की अपडेट्स रेगुलर आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में पहुंचती रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बहुत प्रतिभागी अनेक बार कमेंट करके वीडियोस के नीचे पूछ रहे थे कि सर, रीट लेवल फर्स्ट की वेटिंग और रिशफल को लेकर के क्या कोई अपडेट सामने आ रही है और क्या कब तक अपडेट यहां पर आ सकती है, कौन सी रिशफल और वेटिंग को लेकर के कौन से विषय के कितनी क्या वेटिंग आ सकती है और टोटल कितनी आएगी। तो इस प्रकार इन सारी जानकारी को ऑफिशियल डाटा के अनुसार हमने आपको पहले बता दिया था और आज ये बहुत बड़ी अपडेट जो मंत्री महोदय समर्थन में आ गए हैं, तो आपको ले चलते सीधा अपडेट की ओर। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देर किए। हाँ, तो साथियों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मानवेंद्र सिंह, पूर्व सदस्य राजस्थान विधानसभा, विधानसभा क्षेत्र शिव, ये मतलब कि बाड़मेर के, यहाँ से आप देख सकते हैं साथियों, ये आप देख पा रहे होंगे निवास स्थान का इंदिरा कॉलोनी सीसी रोड बाड़मेर, यहाँ पर इनके मोबाइल नंबर सब कुछ दिया हुआ है साथियों, आप देख पा रहे होंगे। और निवास इनका पता है जो जालूपुरा जयपुर, ये देखिए साथियों, आपको ले चलते हैं सीधा नीचे अपडेट की ओर। ये क्रमांक वगैरह यहाँ पर है, ये 18/3/2019 की डेट में साथियों जो लेटर एड पर ये लेटर जारी हुआ है, देख सकते हैं श्री अशोक गहलोत जी के नाम माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर के नाम प्रेस नोट, ये लेटर अपनी लेटर एड पर मानवेंद्र सिंह जी ने यहाँ पर जारी किया है। देख सकते हैं विषय रीट लेवल प्रथम का रिशफल वेटिंग रिसफल व वेटिंग लिस्ट प्रतीक्षा सूची जारी करवाने बाबत महोदय, उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ राजस्थान ने मुझे अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि शिक्षा विभाग द्वारा रीट के माध्यम से 26,000 पद पर तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2018 का आयोजन किया गया, जिसके लिए दिनांक 1/6/2018 को कट ऑफ जारी की गई एवं 2/6/2018 को चयन सूची जारी की गई, जिसके दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित व अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों के कारण करीब 8,000 से अधिक पद रिक्त रह गए। उक्त अभ्यर्थियों के कारण भर्ती की कट ऑफ में हजारों अभ्यर्थी समान अंक के बावजूद जन्म दिनांक को एक दो अंक कम होने के कारण चयन से वंचित हो गए हैं, इसलिए उक्त पदों पर रिशफल व वेटिंग लिस्ट जारी की जाए की मांग की है। अतः मूल अभ्यावेदन पत्र के संलग्न आपको भिजवाया जा रहा है। अनुरोध है कि आप उक्त बेरोजगार अभ्यर्थी की रिशफल व वेटिंग लिस्ट जारी करवा हेतु संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देशित करवाकर अनुग्रहित करावे। आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों संलग्न मूल दस्तावेज और नीचे आप देख सकते हैं मानवेंद्र सिंह जी के हस्ताक्षर है साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं साथियों, बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है। विभिन्न प्रकार के जो मंत्रियों और विधायकों से संपर्क किया जा रहा है आपकी रीट लेवल फर्स्ट की 8,000 पदों पर रिसफल और वेटिंग जारी करवाने के लिए। यहाँ पर अनेक मंत्री एवं विधायकों और विधानसभा सदस्यों से यहाँ पर अब संपर्क साधा जा रहा है, देख सकते हैं, और वे विभिन्न प्रकार से अब आपकी सहायता करने के लिए आपके पक्ष में आ रहे हैं और आपकी आवाज़ को बल प्रदान कर रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं साथियों, बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। इस प्रकार साथियों, अब जल्दी आपकी वेटिंग और रिशफल से संबंधित ये मुद्दा हल हो जाएगा, क्योंकि अब खुद राजस्थान सरकार के स्वयं विभिन्न विभागों के मंत्री और विधायक विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के जो विधायक है वो आपके संपर्क में आपके सानिध्य मतलब कि आपकी आवाज़ को बल प्रदान करते हुए आपके लिए इस मुद्दे को समाधान ढूंढने के लिए अपनी लेटर हेड पर अपने माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी को अब लेटर लिख रहे हैं और अशोक गहलोत जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी यहाँ पर सीधे लेटर हेड जारी किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं साथियों, तो अब आप जल्दी अपनी वेटिंग और रिशफल को यहाँ पर जारी होते हुए देखेंगे और थोड़ा सा इंतजार कीजिए सब्र का फल। चूंकि आप सभी को पता है कि कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है, तो साथियों इस प्रकार अब आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो साथियों, आपको यदि वीडियो और अपडेट पसंद आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जो घंटा का निशान उसे दबा लीजिए, जिससे इसी प्रकार के नए नए वीडियो और अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। साथियों, आपको ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागियों तक ये वीडियो और अपडेट पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागी इससे लाभान्वित होते हुए अब इस भर्ती से जो भी पीड़ित हैं और वेटिंग और रिशफल का जो भी इंतजार कर रहे हैं और नई अपडेट की जानकारी का इंतजार कर रहे थे साथियों, वो अब चिंतामुक्त भयमुक्त तनावमुक्त हो जाएं और अब भली भांति प्रकार से अपनी तैयारी में जुट जाएं और अन्य भर्ती परीक्षाओं की भी तैयारी बराबर रूप से करते रहें और जब उनका वेटिंग और रिशफल जारी हो जाएगा तो आपको अपडेट के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इस प्रकार अब इसकी आप चिंता छोड़ दीजिए, चूंकि इसकी चिंता अब राजस्थान सरकार के विभिन्न मंत्रियों ने और बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष माननीय उपेंद्र जी यादव उन्होंने ले लिया है। अब आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आपकी यहाँ पर वेटिंग और रिशफल जारी कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तो साथियों, धन्यवाद।
यदि आपको अब ये वीडियो और अपडेट पसंद आया तो साथियों चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे नए नए नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें, कोई अपडेट मिस नहीं हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा साथियों, आपका ये छोटा सा एक मिनट का प्रयास हमें बेहतर से और बेहतरीन करने के लिए प्रेरित करेगा, हमारे मनोबल में हजारों गुना वृद्धि करेगा। एक नई अपडेट, नई ऊर्जा और नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।